मेरा राजनीतिक जीवन आपके सामने है। 45 साल से मैं राजनीति में रहा हूं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने काम किया है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर लगा नहीं। आज लखन आ जाओ, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर लगा नहीं और जिसने आरोप लगाया उस पर मैंने मानहानि का दावा किया, एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित नहीं हो पाया। मैं राघोगढ़ से विधानसभा सदस्य रहा, राजगढ़ से लोकसभा सदस्य रहा। मैंने दोनों जगह एक पारिवारिक रिश्ते मेरे मतदाता भाइयों और बहनों के साथ जोड़े और अब मुझे मेरी पार्टी ने भोपाल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। तो मैं अपने आप को आपके ही परिवार का सदस्य बनने का मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं आपके परिवार के रूप में काम करूंगा। मेरे लिए राजनीतिक रिश्ते कम, निजी रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी मैं कर सकता हूं मैंने किया है और कभी भी मेरे मतदाता भाइयों और बहनों के साथ संवादहीनता की स्थिति नहीं रही है और संवाद स्थापित करने का मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं। मैंने कभी मेरे दरवाजे मेरे मतदाता भाइयों बहनों के लिए बंद नहीं किए, हमेशा खुले रखे हैं। हमारा लक्ष्य है भोपाल को एक और सुंदर शहर बनाया जाए, प्रदूषण मुक्त शहर बनाया जाए। पिछले 15 साल में नागपुर, पुणे, हैदराबाद ये हमसे आगे निकल गए। क्यों निकल गए, इसका एक दो तीन कारण है। व्यापम के घोटाले ने पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया, यहां की शिक्षण संस्थाओं को बदनाम कर दिया। जो कैंपस रिक्रूटमेंट यहां होता था वो कम हो गया। शिक्षण संस्थाओं का स्तर बढ़ाने के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हमने बनाया था, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। मास्टर प्लान बनाने जिसको जैसा मन आया उसने अपनी कॉलोनी काटी, जिसको जैसा मन आया उसने अपना इंक्रोचमेंट किया, जिसको जैसा मन आया उसने अपनी हाई राइज बिल्डिंग बना ली। सुनियोजित विकास भोपाल का 15 साल में नहीं हुआ और इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदार है और हम उससे जवाब तलब करेंगे। मैंने अपना दृष्टिपत्र आपके सामने रखा है, आपके घर घर पहुंचाऊंगा। मेरा लक्ष्य है भोपाल शहर के आसपास हम सैटेलाइट टाउन बनाएं, शहर बनाएं जहां सारी सुविधाएं हो। अब स्मार्ट सिटी बना दी इन्होंने टीटी नगर में, अब वहां ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था और सीवेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था एक गंभीर संकट पैदा कर दिया।